बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक खास मुद्दे पर लेकर के आपके सामने बात प्रस्तुत करूंगा बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की डेट में एचके बायोलॉजी आपको एजुकेशन को लेकर के समय समय पर अपडेट करता रहता है। इसके अलावा हम चूंकि बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चों की कुछ बात और करेंगे। आज के डेट में लोग और बच्चे, आप देख रहे हैं क्या हालात हैं बेरोजगारी के। हर एक छात्र अपने पेट के लिए मेहनत कर रहा है, और यहां पर जो हमारे ऊपर बैठे सत्ताधारी हैं वो केवल ये कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जो कि बच्चों पर सटीक उल्टा बैठता है। क्योंकि ये हालात आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, प्रयागराज से लेकर के लखनऊ में भी। अभी कल की घटना, रात 7 बजे अलीगंज सेक्टर क्यू में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी आपने देखा जो 2 शिफ्ट में कराने की बात आई, जिसमें यूपीपीएससी, आरओ और एआरओ एग्जाम को लेकर के। ये बहुत ही एक तरीके से बच्चों को प्रताड़ित करना और उनको परेशान करने वाली घटना है। इसलिए हम अपने विचारों से और अपने सभी बच्चों से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात को लेकर के जगह जगह पर प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि इन सत्ताधारियों की अभी भी आंखें नहीं खुली हुई हैं। क्योंकि बच्चे आए दिन आता है जान गंवा रहे हैं। आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसमें तरह तरह से लोग परेशान हैं। आप देखिए, जगह जगह पर आज धरना हो रहे हैं, जो कि आज सिटी के अंदर इस तरीके से आप देखिए जो है बच्चे परेशान हैं, किस तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, एक तरीके से जो है पुतला जलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय घटना है। इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर और हम सभी आग्रह करते हैं छात्रों की तरफ से कि इस पर ध्यान जाए और इस जो है करने की जो मांग कर रहे हैं बच्चे, उस पर ध्यान दिया जाए। एग्जाम को 1 ही शिफ्ट में कराया जाए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हर एक बच्चा आज परेशान है इस चीज को लेकर के कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और पिक्चर्स हैं हमारे पास। आप देखिए बेटा, ये जो है कल रात 7 बजे धेय आईएएस कोचिंग जो सेक्टर क्यू में है, उसके सामने की घटना है। इस बात को लेकर के यहां पर बच्चे बहुत परेशान हैं। इसलिए इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन हम सरकार से ये चीजें कहना चाहते हैं कि इस तरीके से बच्चों को ना परेशान किया जाए। और इस चीज पर जो बच्चे आज अपनी बात रख रहे हैं, उसका आज तुम विचार लाठियों से दे रहे हो। 1 डे 1 शिफ्ट होना चाहिए, जो कि हम एक से एक होंगे। कहने का मतलब क्या है, एक है तो सेफ है, ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन इस पे काम नहीं किया जा रहा है। हर बच्चा परेशान है, इसलिए हम छात्रों की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चा जो अपनी लाइफ को दांव पे लगाए हुए मेहनत कर रहा है, इस चीज को कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा दुख है। इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये भारत देश है साहब, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि भैंस के आगे बैन बाजे और भैंस खड़ी पग उड़ावे, दादा वही हो रहा है हालात हमारे बच्चों के साथ। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, आए दिन एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, एग्जाम रद्द हो रहे हैं, भर्तियां हैं नहीं, सारी चीजें आप देख ही रहे हैं समाज में किस तरीके से हो रही हैं। इसलिए हम लास्ट में गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीजों को, बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, लाठियों से बच्चों को
जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह पर आप देख रहे हैं वीडियो के द्वारा, जो है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जगह जगह की आपको जो है आपके पास पिक्चर आ रही होंगी। ये चीजें बहुत ही जो है एक तरीके से सराहनीय तरीके से बच्चों को परेशान करने वाली घटनाएं हैं। इन पर किस तरीके से काम करना चाहिए, इस पर जो है हमारी सरकार और हमारे जो बैठे सत्ताधारी हैं, जिन लोगों के साथ में एजुकेशन कमेटी है, उन लोगों को इस पर जो है विचार करने की, तो हम कह सकते हैं सोचने समझने का एक प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। इसलिए इस पर विचार करें, इसको कैसे बेस्ट किया जा सकता है ताकि हर एक बच्चे की जो मांग है उसको पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एचके बायोलॉजी गुरु की तरफ से। हम उन सभी बच्चों के फ्यूचर के भविष्य की कामना करते हैं। आपकी सुनवाई अवश्य होगी, हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलके आपके साथ इस आवाज के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।